हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पार्टी का आगाज करने जा रहे हैं। लग यही रहा है कि कुछ साल पहले तक जो बिहारियों की अलग जमात बनाने की बातें हो रही थी, उसी सिलसिले की ये कड़ी हो सकती है। पहले उस पार्टी की सरबराही के लिए इमरान फारूक का नाम लिया जाता रहा था, लेकिन उनके कत्ल के बाद ये सिलसिला थम गया था। अब सलीम शहजाद ने औरंगी में जलसे का ऐलान किया है, 16 दिसंबर की तारीख दी है, तो उसके बाद ये चहमगोइयां शुरू हुई कि क्या ये वही पार्टी है, उसी का रिवाइवल हो रहा है जिसका तस्करा पिछले कई सालों से होता रहा है। MQM के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इन खबरों में कितनी सदाकत है। सलीम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक रहनुमा MQM के, बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब आपका। पिछले हफ्ते तक आपसे बात हुई थी, पेशगोई आप ये कर रहे थे कि 12 रबीउल अव्वल के बाद मुत्तहिदा के जो तमाम धड़े हैं वो फिर से मुत्तहिद हो जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल कल गुजर गई है, आज आपने अपनी अलग जमात का भी ऐलान कर दिया, तो ये तो मज़ीद तकसीम नज़र आ रही है। महाजर वोट बैंक इकट्ठा तो नहीं हुआ है, बल्कि क्या मज़ीद तकसीम हो गया है? शुक्रिया नाजिया, देखिए मैंने बिल्कुल कहा था जी, और आज भी मैं अभी बात पे कायम हूँ कि दो धड़े PSP और MQM पाकिस्तान ये इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इतने अरसे में सवाए एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करने के, अभी तक कोई मुझे पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। कराची के मसाइल अपनी जगह वैसे के वैसे ही, जिन्हें इलेक्शन हो सकता है कल अनाउंस हो जाए, लेकिन उससे पहले अपना मैनिफेस्टो ऐलान नहीं किया है। फिर दूसरी बात यह है कि कराची के वो नौजवान जो घरों पे बैठे हुए हैं, कराची का वो लड़का जो घर पे बैठा MQM का हिस्सा होता था जी, आज वो सवाल कर रहा है कि आप हमें बताएं कि हम क्या कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, हम किस जमात के लिए काम करें। पहले हम PSP में गए तो वहाँ हमने देखा कि वही लोग हैं, फिर MQM पाकिस्तान में गए तो हमने देखा वही लोग हैं, तो अब बताइए कि हम क्या परवेज मुशर्रफ के पास जाएं, हम किसी और जमात में जाएं, हम MIT में जाएं, हम किस में जाएं, आप किस दर्द की दवाएं, आप क्या कर रहे हैं, आप आइए, आप आके कुछ कीजिए। मेरी जो कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी ने ये फैसला किया कि सलीम शहजाद साहब आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, और अकेले की आवाज़ कोई नहीं सुनता, लिहाजा अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है सलीम शहजाद साहब, जो लड़के आपके पास आए थे, आपने बिस्मिल्लाह तो की, जो लड़के आपके पास आए थे, जो PSP भी गए, जो MQM पाकिस्तान भी गए, उन पर तो इल्ज़ामात भी हैं ना, टारगेट किलर्स भी हैं, फिर उसमें जिनको कहा जाता है कि ड्राई क्लीन हो गए, आप ये कह रहे हैं कि जो टारगेट किलर्स हैं, ड्राई क्लीन जो हुए हैं, वो शामिल नहीं होंगे, तो इससे मुराद ये है कि जिन पर मुकदमात हैं, जिन पर इल्ज़ामात हैं, उनको आप शामिल नहीं करेंगे, आप पुराने चेहरों को नहीं लेकर आएंगे, कोई बिल्कुल नई क़यादत सामने लाने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरे पास 1992 के मुकदमात हैं, जिसमें जलाओ घिराओ एक नहीं, एक एक मुकदमे में 50-50 लोग हैं, एक ने सास लो, एक में बरी हो चुका हूँ, इंशाल्लाह 3 में और बरी हो जाऊँगा। जो नए लोगों की बात कर रहा हूँ, उन नए लोगों में हम स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी करने के बाद हम उसका बैकग्राउंड मालूम करेंगे, फॉर्मा बना रहे हैं, उस परफॉर्मा में वो तमाम चीज़ें लिख करके बताएगा कि कभी वो जेल गया है, कभी वो थाने गया है, कभी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, उसका पूरा एक रिकॉर्ड होगा हमारे पास, उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर जो है हम फिर छानबीन करेंगे, इलाकों में काम करेंगे, इलाकों में अपने आवाम के पास जाएंगे, सबसे पहले हम आवाम से माफ़ी मांगेंगे और माजरत करेंगे कि बहशियत सलीम शहजाद के मैंने बहुत कुछ किया, आवाज़ बुलंद की, आपने मुझे कंधे पे बैठाया, मेरे लोगों को कंधे पे बैठाया, असम्बली में पहुँचाया, लेकिन हमने आपको बेरोज़गारी दी, हमने आपको कचरा दिया, हमने आपको पानी से महरूम किया, हमने आपके बच्चों को क्रिमिनल बनाया, मुझसे मुराद, मेरे से मुराद MQM ने, लिहाजा हम माफ़ी मांगते हैं और ये अहद करते हैं कि आज के बाद हमारे दरमियान आपने क्रिमिनल नहीं होगा। सलीम शहजाद साहब, आपने जो कुछ किया, MQM ने जो कुछ किया, आप समझते हैं कि आपको माफ़ी मिल जाएगी?
अगर बिल्कुल नए सिरे से लोगों को यकजा करने वाले हैं आप, तो जाहिर है इतना आसान काम तो नहीं होगा, ये मुश्किल काम है। इलेक्शन करीब है, लोगों से आप माफी तो मांग रहे हैं, एक सीट निकालना भी आसान होगा? अल्लाह ताला जब माफ कर देता है तो बंदे की क्या मजाल है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आप ग्राउंड में उतरेंगे, समुंदर में उतरेंगे, तो गहराई का अंदाजा होगा। कोशिश अल्लाह ने कहा है करने की, कोशिश मैं करूँगा, मेरे लोग करेंगे, बाकी रिजल्ट आवाम के सामने, अगर रिजल्ट आवाम हमें अच्छा देगी तो ठीक है। ये जो कोशिश है, इसके लिए आपने खास तौर पर 16 दिसंबर का दिन चुना है। 16 दिसंबर औरंगी टाउन से आप अपनी सियासी पार्टी का आगाज़ करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ये। और दूसरी तरफ औरंगी टाउन, जहाँ पर कुछ साल पहले बिहारियों की अलग जमात का भी बड़ा चर्चा था, उसकी सरबराही इमरान फारूक साहब ने करनी थी, लेकिन उनके कत्ल का मामला, उसके बाद ये मामला दबी गया था। क्या आपकी जमात उसी सिलसिले की एक कड़ी है? क्या वो जो बिहारी कौमी मूवमेंट सामने आ रही थी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बदकिस्मती से मैं बिहारी हूँ, मेरा बिहार से ताल्लुक है, और मैं औरंगी से दो दफ़ा इलेक्शन लड़ा है। कोई बिहारी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ये नहीं है। 16 दिसंबर एक अलमिया है पाकिस्तान की तारीख का कि मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। हमारा मैसेज ये होगा कि खुदारा खुदारा खुदारा, अब ये पाकिस्तान जो चार सूबों का एक मुल्क है, ये चार सूबे रहें, 10 सूबे हो जाए, लेकिन ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसमें कोई बंटवारा नहीं हो, जिस तरीके से आज आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा है, ये नारा नहीं लगे। बलोचियों की महरूमियों को ख़त्म किया जाए, तमाम लोगों की महरूमियों को ख़त्म किया जाए, वो वाक़यात ना दोहराए जाए कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता मेरे खाक नहीं लगना चाहिए ये नारा। आप हिस्सों में ये अच्छी बात है, आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई बंटवारे की बात भी हो, सोच भी नहीं सकते इस बारे में, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी बिहारी कौमी मूवमेंट की तरह की पार्टी होगी, उन्हीं के हकूक की बात करेगी, बिहारियों के लिए काम करेगी, उनकी जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाएगा। टोटली महाजर कह लें, उर्दू स्पीकिंग कह लें, कराची अर्बन एरिया में रहने वाले वो लोग जो न सिंधी हैं, न बलोची हैं, न पख्तून हैं, न पंजाबी हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, उर्दू बोलते हैं। इसको इस तरह समझे कि महाजरों की जमात होगी, सिर्फ उर्दू बोलने वाले जो हैं उनकी नुमाइंदगी करेगी ये जमात, कराची तक महदूद रहेगी? महाजर कह लें, उर्दू बोलने वाले कह दें, जो नाम हम तजवीज़ करेंगे, हमारे पास 4-5 नाम हैं, हम जो भी नाम तजवीज़ करेंगे उस नाम का मकसद यही होगा कि सिंध में रहने वाले अर्बन एरिया की नुमाइंदगी करने वाले लोग। ठीक है। सलीम शहजाद साहब, आप इससे पहले भी मुसलसल एक शख्सियत का जिक्र करते रहे हैं कि जिसकी कयादत में महाजर वोट बैंक को इकट्ठा कर लिया जाए, मुत्तहिद कर लिया जाए। अब आपकी जमात उस कयादत के तहत काम करेगी, आप खुद इसके सरबरा होंगे या सरबराही के लिए किसी और को लाया जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा क्या बेसिकली? देखिए, अभी तो ये मेरी जो कोर कमेटी है, 25 अफराद की मेरी कोर कमेटी है, जिसमें डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, मीडिया के रिटायर्ड लोग हैं, इसके अलावा इसमें जो है एक्स बैरोक्रेट्स हैं, ये तमाम लोग मुत्तफ़िका फैसला करेंगे। मैं हूँगा या उनके दरमियान से कोई सरबरा होगा, ये तो फैसला जो है वो हमारी कोर कमेटी करेगी। अभी कोर कमेटी ने इख्तियार मुझे दिया है कि मैं जो बातें इस मैनिफेस्टो में हैं वो मैनिफेस्टो के तहत, क्या एमकेएम के जो दूसरे धड़े हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जाएगा? इस पूरी सूरत हाल में हमने देखा कि आफाक अहमद मुसलसल खामोश रहे हैं, बयान दें लेकिन वो फिलहाल बात करना नहीं चाह रहे। क्या आफाक अहमद से अंदरून खाना आपका कोई रब्ता है? कभी महाजर कॉन्वेंट के जो सरबराह आफाक अहमद से कोई रब्ता कभी नहीं हुआ। मेरा रब्ता महाजर इत्तेहाद तहरीक के सलीम हैदर साहब से है, हमारा उनसे एक अंडरस्टैंडिंग है, एक हमारा जो है वर्किंग रिलेशनशिप है उनसे, और हमारी उनसे बातचीत। ठीक है, अगर तमाम जमातें को मिलाने की जो कोशिशें थी वो कामयाब हो जाती हैं, आपको लगता है कराची का की जो आवाम है, इनका जो वोट है ये इकट्ठा हो सकेगा? क्योंकि आम तासुर तो यही है कि असल वोट बैंक तो मुत्तहिदा के बानी का था, इनफरादी तौर पर एमक्यूएम में किसी और की कोई ऐसी हैसियत नहीं है। इलेक्शन करीब है, तब्दीली नज़र आ जाएगी, मुत्तहिदा का वोट बैंक आप टूटता हुआ देख रहे हैं? थी, आपने कहा था और थी जी, ये सिर्फ था और थी, अब था ही रहेगा और थी ही रहेगी, क्योंकि अब चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। जो उनके बयानात हैं मुल्क के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
मैं समझता हूँ कि सिंध में रहने वाले उर्दू बोलने वाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मजीद अफवाज पाकिस्तान इदारों के खिलाफ ऐसी बातें की जाएँ, मुल्क तोड़ने की बात की जाए। हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब शायद इतनी पजीराई नहीं मिले, दो चार पाँच। अच्छा, अब ये भी बता दें सलीम शहजाद साहब, के एमक्यूएम पाकिस्तान है, फिर PSP है, कोई कांटेक्ट है आपका, आपकी जमात को शमूलियत की दावत मिली या आप उनसे बातचीत करेंगे? किसी किस्म के इत्तेहाद को बनता हुआ हम देख रहे हैं आपकी इस पार्टी बनाने के बाद, कि जब आप पार्टी की, अभी तो आप जाहिर है पार्टी के अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन अनाउंसमेंट जब हो जाती है तो उसके बाद कॉन्टैक्ट्स तो हैं आपके PSP में या MQM पाकिस्तान के साथ, तो इस तरह के कोई? देखिए, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। अगर आज हमें दावत देते, बुलाते हैं, बात करते हैं PSP वाले, MQM पाकिस्तान वाले, हम हमारा वाप जरूर जाएगा, बात करेगा, बिल्कुल बात करने के लिए तैयार। यानी कि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है MQM पाकिस्तान या PSP से आपकी जमात का, अगर आप जमात बना लेते हैं तो इत्तेहाद हो सकता है और आइंदा इलेक्शन के लिए आप लोगों की सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है? कोई बात हुई अब तक आपकी PSP से या MQM पाकिस्तान? ये तो बातचीत के बाद ही तय होगा। अच्छा, ये मेरी कोर कमेटी फैसला करेगी कि आया शामिल होना चाहिए। अभी तक तो 0.0001% भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब, साबिक रहनुमा MQM के, और अब अपनी एक नई जमात बनाने जा रहे हैं, इसका ऐलान 16 दिसंबर को किया है। तो कराची की सियासत, इसके अहमात जो है वो एक ही हुकूमत की है, लेकिन दोनों जगह जो गवर्नेंस का तरीकाकार है, दोनों की जो हिकमत अमली थी उसमें बड़ा वाज फ़र्क देखने में आया, और हालिया धरना इसकी वाज मिसाल है। इस्लामाबाद में धरनों के दौरान गोली, लाठी, पत्थर सब कुछ चला, लेकिन फिर भी हुकूमत धरने वालों को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार वजीर कानून को मुस्ताफी होना पड़ा और सूरत हाल इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हुई कि हुकूमत ने धरने वालों को वापसी के लिए अपनी जेब से पैसे भी दिए। अलबत्त जो पंजाब है, यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दी। धरने वाले पंजाब असम्बली के बाहर एक हफ्ता ज़रूर बैठे, लेकिन एक पत्थर तक मारा नहीं गया, और जो मुजाहरीन थे वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्ला का इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, बग़ैर इस्तीफ़े लिए उठने पर भी राज़ी हो गए। तो ये जो दोनों वाकयात हैं, इससे पता चल रहा है कि जो स्ट्रैटेजी थी वो बरक्स वफाकी हुकूमत के पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ थी, बेहतर अंदाज से यहाँ पर डील किया गया। अब दोनों ही धरनों में हुकूमत को बड़ी सख्त शराइत पर मुआहदा भी करना पड़ा। इस मुआहदे के तहत अब राजा जफरुल हक कमेटी की रिपोर्ट 20 दिसंबर तक पब्लिक करनी है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक कानून साजी के लिए 16 जनवरी की डेडलाइन है उनके पास। इस्लामाबाद मुआहदे के तमाम तर जो निकात हैं, जल्द अज जल्द अमल करने पर आमादा हुई है हुकूमत, जबकि मुत्तहदा उलमा बोर्ड को निसाब तालीम के जायजे का भी इख्तियार दे दिया गया है। फिर भी इसके बावजूद विफाक के मुकाबले में पंजाब हुकूमत धरने वालों को ज़्यादा मौसर तरीके से मनाने में कामयाब रही। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब पंजाब और विफाक दोनों ही जगह एक ही पार्टी की हुकूमत है, तो एक जैसी सूरत हाल को डील करने में इतना फ़र्क क्यों रहा? इसकी एक बड़ी वजह, नून लीग में आपस के इख्तलाफात भी हैं, जिनका जिक्र वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ खुद भी कर चुके हैं, और शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ को भी इस सिलसिले में मशवरा दिया था। उनका मशवरा सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं आगे। एक दो ऐसे जो कल के आने वाले मुशीर, जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी और ओहदे से ताल्लुक था, उन्होंने गलत मशवरे दिए। मैं समझता हूँ कि ये कुंभा बैठा है, इनसे मुशावरत करें, फिर इंशाल्लाह कोई हमारा बाल बेकार नहीं कर सकता। ये तो था शहबाज शरीफ आपकी जानिब से दिया जाने वाला मशवरा, नए मुशीरों से बचने का मशवरा उन्होंने दिया था। विफाक और पंजाब हुकूमत में इस वक्त जो बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है वो यही है, नून लीग में इख्तलाफात की वजह भी बना है, और पंजाब हुकूमत के वज़रा खुद विफाक में नून लीग के अपने लीडर की जानिब से अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह का बयान, और आज इससे एक कदम आगे बढ़कर नून लीग के कारकुन अपने ही रहनुमा तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ भी सड़कों पर आए हैं। जड़ावाला में मुजाहिरा हुआ है, जिसमें इल्ज़ाम ये लगा है कि तलाल चौधरी सिर्फ TV शोज़ में जाते हैं, बातें करते हैं, और अपने लोगों को नवाजने के सिवा कुछ नहीं करते। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल बन रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमें सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। इख्तलाफात नून लीग में तो पहले भी थे और बढ़ते आए हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन धरनों से जिस तरह से निपटा गया है, और इस मामले पर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने जिस तरह वफाकी हुकूमत पर तनकीद की, फिर आज जड़ावाला में भी एक वाकया पेश आया, तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ मुजाहरा हुआ है, तो नून लीग के इख्तलाफात में ये जो शिद्दत बढ़ रही है, आपको लगता है कि ये इसको बेहतर तौर पर डील कर सकेंगे?
देखिए ये तो मेरे ख्याल इख्तलाफात तो बहुत पहले से नजर आते हैं, जब से नवाज शरीफ साहब को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है वो, और बीच और जब से फिर इख्तदार की पार्टी के अंदर कौन लीडर होगा उसकी जो है कश्मकश पड़ गई है, तो उसमें जो है इख्तलाफात तो हमें बहुत वाजे निकल आते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो ये जो सूरत हाल जिस पर डील किया है, तो मेरे ख्याल ये है कि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम ज़रूर लगा रहे हैं, क्योंकि जब ये धरना शुरू हुआ था ये मौलाना रिजवी का, तो पहले तो वहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से पंजाब गवर्नमेंट ने उनके साथ कुछ मुआहदे किए और फिर उसके बाद जो है उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप जाके इस्लामाबाद में धरना डालें। तो इसमें साफ जाहिर होता था कि अपने सर से उन्होंने बला डाल के वहाँ इस्लामाबाद भेज दिया, जो कि मेरे ख्याल ये कि एक सही कदम नहीं था। लेकिन डील जो है जिस तरह से भी, चाहे वो धरना इस्लामाबाद का हो चाहे वो लाहौर का हो, दोनों में जो है एक साफ चीज हमें नजर आती है कि जो है जिस तरह से बेबस नजर आते हैं हुकूमतें दोनों तरफ की, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे जो है वो पंजाब की हुकूमत हो, कि जो है आपने उनके सामने एक हद तक हथियार डाल दिए हैं। बात ये नहीं आती है कि आप सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी एक आगे चल के जो है जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह होगी कि जो है कोई शख्स भी धरना डाल के बाहर बैठ जाए और आप उसको कहें कि जी हम आपकी तरफ मुतालबात तस्लीम करते हैं, तो फिर पार्लियामेंट की और फिर दूसरे असेंबली की हैसियत क्या बाकी है। तो जाहिर साहब, मेरे ख्याल से जिस तरह से डील किया गया है दोनों धरनों को, चाहे वो विफाक ने किया हो चाहे वो पंजाब हुकूमत ने किया हो, आपको लगता है कि नून लीग इतना प्रेशराइज हो चुकी है कि सही तौर से फैसले नहीं ले? देखिए एक लिहाज से वही है कि जब आप हुकूमत कमजोर होती है, जब हुकूमत की पूरी जो है तवज्जो कहीं और मजबूत होती है, तो फिर ऐसे में जो दूसरे अनासर होते हैं बाहर बैठे हुए होते हैं, जो कि आप हम इसको नॉन एक्टर स्टेट एक्टर भी कह सकते हैं या अनइलेक्टेड में जो लोग हैं, वो फिर अपने आप को जो है उसमें दबाव डालना शुरू करते हैं। एक तो मैं यही बात आती थी कि इसमें शुरू से हमें काफ़ी फर्क नजर आता था, जब इन्होंने जो करने वाले थे उन्होंने एक चीज़ को और भी इस्तेमाल किया, जो कि मुस्लिम लीग के अंदर जो इख्तलाफात उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। उनको अंदाजा था कि जो है एक तरफ हुकूमत कमजोर है इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ जो है इनके खुद पार्टी के अंदर जो है जो दरारें पड़ी हुई थी उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर उसके साथ साथ जो है देखें, आप पार्टी में ऐसे लोगों की भी तादाद अच्छी खासी मौजूद है जो इनके अच्छे, तो यानी जो है इस किस्म की चीजें जो है चाहे वो प्रोटेस्ट धरना कह लें या जो है इस किस्म का दबाव जो होता है हुकूमत, तो कामयाब हो जाता है। आप जब इससे पहले हमने जो तकारीर सुनी है असेंबली के अंदर खुद कैप्टन सफदर की, जो कि नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उनकी तकरीर सुनने के बाद तो आपको फिर ये साफ लगता है कि खुद जो है इस पार्टी के अंदर जो है क्या सोच पाई जाती है, तो फिर बाहर का दबाव तो यकीन पार्टी के अंदर जो डिवीजन है वो तो एक अरसे से उस पर डिबेट हो रही है, बहुत बात हो रही है कि हाँ वो तो मौजूद है। इस तमाम तर जो सूरत हाल खास तौर पर ही धरनों के दौरान रही, इसमें आप शहबाज शरीफ साहब का रोल किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बड़े मोहतात होकर चले हैं वो, उन्होंने बड़ा खामोशी के साथ जो हालात हैं उनको डील करने की कोशिश की है? देखिए ये तो बात साफ है कि इख्तलाफात मौजूद हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को इसमें खासा जो है वो दुख पहुंचा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है ना उनको वजीर आजम जो बनाने का फैसला पहले हुआ था वो भी पूरा नहीं हो सका है, फिर उसके बाद ये ऐसा मालूम होता था कि उनको पार्टी की सदारत भी नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल ये है कि और दोनों भाइयों में मेरे ख्याल एक तो इख्तलाफ मौजूद है कि जो है किस तरह से जो है ये मौजूदा सूरत हाल का जो है वो तो का मुकाबला किया जाए, और किस तरह से जो है उनकी, मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी सोच वाजे कर दी है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का तसादुम हो एस्टेब्लिशमेंट से और जो है ये जुडिशरी से, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का रवैया उससे बहुत मुख्तलिफ है। फिर एक और बात भी जो आती जो कि इख्तलाफात की बात बनती है कि अब आगे चल के जो है वो इस पार्टी की जो है क्यादत या आगे चल के जो है वो किसके हाथ में होगी दूसरी जनरेशन में, तो ये भी एक इख्तलाफ की बात भी है। अच्छा यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंट है, जाहिद हुसैन साहब, मियाँ साहब नाराज रहनुमाओं को मनाने की कोशिश में भी थोड़े नजर आ रहे हैं। अभी चौधरी निसार से भी हाल में उनकी मुलाकात हुई थी, फिर जावेद हाशमी साहब से अब 4 दिसंबर को उनकी मुलाकात मुतवक्के है, तो मियाँ साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराजगियाँ हैं वो दूर की जाए, लेकिन फिर भी मामला बेहतर हो नहीं रहे? देखिए इस तरह से मामला बेहतर नहीं होते हैं, बहुत सारी इख्तलाफात मौजूद थे पार्टी के अंदर पहले भी थे, लेकिन चूंकि इख्तदार में थी और पूरी तरह जो है वो मियां साहब मियां नवाज शरीफ का उस पर पार्टी के ऊपर कंट्रोल था,
तो जो इख्तलाफात थे वो जो हमें सामने नजर नहीं आते थे, लेकिन ये जो पार्टी के अंदर जो है जो लोग अब शिकायत लेके बाहर आए हैं उनके जो है पहले से बहुत ज़्यादा तहफ़ुज़ात थे, अब चूंकि जो है वो मामला जो है बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया तो उसमें जो है इनकी आवाज़ें भी हमें ज़्यादा साफ नज़र आती हैं। लेकिन कई किस्म की तकसीम है पार्टी के अंदर, एक तो जो है वो जो नहीं चाहते हैं कि जो है वो जो इदारों के दरमियान कोई टकराव हो, दूसरा खुद भी इस बात से बज़न है कि नवाब मियां साहब जब पावर में थे तो उसके बाद उनसे मुलाकात बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, इनके बहुत सारे असेंबली मेम्बर कहते हैं कि महीने महीने साल हो जाते थे जहाँ पर इनको मुलाकात नहीं होती थी। तो फिर उस पर एक और बात भी आती कि जब आप क़यादत पूरी सिर्फ एक फैमिली के अंदर हो, एक छोटे से ग्रुप के अंदर हो, तो यकीनी तौर पे जो है इस किस्म के जो है वो तहफ़ुज़ात और रिजल्टमेंट जो है वो तो पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे हमरा मौजूद थे। और किस्म की तकसीम है पार्टी के अंदर जो कि पार्टी को भी कमज़ोर बना रही है और हुकूमत भी सही तौर पर अब तक काम नहीं अंजाम। वहाँ पंजाब फूड अथॉरिटी का किरदार काबिल तहसीन रहा और उन्होंने मुख्तसर अरसे में इनकलाबी इकदाम भी किए, बड़े जो रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पर सफाई सुथराई को का पाबंद उनको बनाया, पथारे बहुत हद तक ख़त्म किए गए, स्कूलों में सॉफ्ट ड्रिंक्स और दीगर मुजर सेहत अशिया पर पाबंदी लगाई गई और एक जाने पहचाने ब्रांड का जो मक्खन था उसको बैन किया गया, बनस्पति घी हो गया, खुले तेल हो गए, इस पर भी मुकम्मल पाबंदी है। फिर सार्फीन की शिकायत के अजाले के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स काम कर रहे हैं और अब वहाँ एक कदम और आगे बढ़कर ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड पर भी बहस छिड़ी हुई है कि किस तरह से एग्रीकल्चर के जो जदीद तरीके हैं उनको अपनाया जाए, ऑर्गेनिक फूड की तरफ वापस ले जाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जब हम सिंध में आते हैं तो सिंध की सूरत हाल देखें, यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुए 3 साल गुजर चुके हैं, सिंध असेंबली से ये कानून पास हुआ था, तमाम अराकीन की रजामंदी शामिल थी इस बिल में, जिसके बाद पिछले साल मार्च की बात है कि सिंध काबीना ने इसकी मंजूरी दी, लेकिन इसके बावजूद अब तक सिंध में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में नहीं आ सका, ना ही कंज्यूमर कोर्ट्स मुतहरिक हो सकी हैं। इसीलिए अब कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर मुतहरिक हुई और उन्होंने सिंध हुकूमत से इस मामले पर फौरी इकदामात का मुतालबा किया। तो इस मुतालबे की मंजूरी के इम्कानात हैं क्या और क्यों सिंध हुकूमत कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट पास करने के बाद 3 साल तक अब भी पंजाब फूड अथॉरिटी की तरह का कोई इदारा क्यों नहीं काम कर सकती है, तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर आईटी सिंध शोरो साहब और इसके साथ ही हमारे साथ होंगे कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से कौकब इकबाल साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सिकंदर अली शोरो साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। इसी हफ्ते कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में जल्द अज़ जल्द सिंध फूड अथॉरिटी के क़याम की यकीन दहानी कराई गई है, जल्द अज़ जल्द तो कहा गया, डेडलाइन क्या है, कब तक सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में आ जाएगा? फूड कंट्रोल अथॉरिटी के लिए जल्द अज जल्द मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये फूड कंट्रोल का जो फंक्शन था वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हवाले था और उसके बाद ये हमारे कैबिनेट में कोई मार्च के महीने में या अप्रैल में ये डिस्कशन हुई थी जिसमें ये कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, फूड का डिपार्टमेंट और कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट और उसके साथ कुछ ऑफिशल थे, एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने ये फाइनल किया था उसके लेजिस्लेशन के हवाले से। फिर वो बिल जो असेंबली में है और असेंबली में वो फूड कंट्रोल अथॉरिटी का बिल अप्रूव हुआ है, अब उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं और जिसके लिए यकीनी तौर पर कुछ टाइम लगता है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा ये जो आपने कुछ टाइम कहा है सिकंदर अली शोरो साहब, कुछ टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा प्रोसीजर में, इतना जो वक्त लग रहा है 3 साल तो हो चुके हैं ऑलरेडी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो चुका, फिर पिछले साल मार्च में फूड अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी भी आई, अब ये तमाम तर तकाजे जब पूरे हो चुके हैं तो फिर क्याम अमल में आने में रुकावट है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था वो कोई मेरे ख्याल में 2015 में बना था, उसके तहत उनके एक कंज्यूमर अथॉरिटी बनी थी और कंज्यूमर अथॉरिटी और कंज्यूमर कोर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसके बाद जो ये था कि उस अथॉरिटी के अलावा एक फूड कंट्रोल अथॉरिटी भी बननी चाहिए जिस पे कंसेंसस डेवलप इनिशियली नहीं हुआ था, लेकिन अब जब ये कंसेंसस डेवलप हुआ है कि फूड कंट्रोल अथॉरिटी का होना लाजमी है कि वो सेफ और हेल्दी फूड के हवाले से वो अपने इनिशिएटिव लें और उसके लिए जो कानून बनाया गया उसको जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाए, तो फूड कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से जो बाद में
जी तो शुरू साहब, मार्च में कैबिनेट में शुरू साहब, अब सार्फीन का हुकूम किस तरह से यकीनी बनाएंगे आप? कोई तारीख दे दें, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, कब तक ये जो अथॉरिटी इसका कयाम अमल में आ जाएगा? मैं ये के बता सकता हूँ कि जिस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन कुछ टाइम लगता है, तो शायद एक दो महीने में ये अमलन आपको नजर आएंगी कि फुट कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अमल में होगी और वो अपना जो कानून बनाया गया है। बहुत शुक्रिया मुशीर वजीर आलम थे और कह रहे थे कि एक दो महीने के अंदर अंदर इस अथॉरिटी के कयाम को होता हुआ देखें हम। बहरहाल कौकब इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया कौकब साहब, आपने भी सुना सिकंदर अली शोरो साहब कह रहे थे एक दो महीने का टाइम ये दे रहे थे। आप लोग तो सिंध में फूड अथॉरिटी के फौरी कयाम का मुतालबा कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपके मुतालबा पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो काम कानून पास होने में 3 साल का अरसा तो लगा है, आप पुर उम्मीद हैं कि ये अब हो जाएगा? देखिए, बस मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की प्रायरिटी होना चाहिए, क्योंकि सार्फिन को कैसे रिलीफ मिलेगा, यहाँ पे हम खाने के नाम पे क्या चीज़ खा रहे हैं ये आपको मालूम है। और हमने मुतालबा काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो है यहाँ पे फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी और तमाम सूबों में अथॉरिटीज बननी थी जी। पंजाब फूड अथॉरिटी तो अपना काम कर रही है, आपको पता है, मीडिया पे भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल कर रही है, तमाम लोग भी इसको जानते हैं कि बेहतर तरीके से पंजाब में काम हो रहा है फूड के ऊपर। और यहाँ पे अभी तक जो है ये बने इस पे कि यहाँ पे जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया और ये बता दिया गया कि जनाब ये जो है हमने सिंध फूड अथॉरिटी बना दी है, इसका बिल पास हो गया है और उसको पास हुए में भी काफ़ी अरसा हो गया। सन 2015 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हुआ, मगर उसके बावजूद भी उसके तहत कंज्यूमर कोर्ट्स नहीं बन सकी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे डिले ट्रैक्स। मैं यही कह रही हूँ, सवाल में ये करना चाह रही थी कि जो काम 3 साल में नहीं हुआ वो आपको लगता है कि अब हो जाएगा? एक महीने का टाइम दे रहे हैं, एक महीने में हो जाएगा ये अथॉरिटी जो है? नहीं देखिए, मगर हमारी हम तो मुतालबा करते रहेंगे और जब तक ये अथॉरिटी बन नहीं जाती, अपना काम स्टार्ट नहीं कर देती, और उसकी मुझे ये नहीं बताया जाता कि आखिर क्या वजह है इसकी डिले करने की और इसको क्यों अभी तक अथॉरिटी से, ना सिर्फ लोगों को रोजगार होगा, क्या जाहिर है फूड टेक्नोलॉजिस्ट आएंगे, अफसर तानियात होंगे, डीजी तानियात होंगे, तो इसमें तो लोगों को मैं समझता हूँ और जो लोग हैं उसमें केएमसी में काम करने वाले वो भी इसमें जो है वो जम हो सकते हैं। तो ये पूरे सूबे सिंध के सतह पे ये अथॉरिटी बननी है, ये ना कराची की सतह पे बननी है, ना हैदराबाद की सतह पे, ना मीरपुर खास की सतह पे। तो जब सिंध फूड अथॉरिटी का क्याम बाकायदा पास हो गया है, बिल पास हो गया है, तो मैं वज़ीर आला सिंध जो है एनर्जेटिक वज़ीर आला है, मैं उनसे आपके चैनल के तवस्सुत से अपील करता हूं कि वो जल्द अज जल्द, ये नहीं हमें तो जनवरी अगले साल की नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं कि दिसंबर तक में ये काम हो जाए और वो उसमें जो है उनको ये तरजीहात में इसके शामिल होना चाहिए। वज़ीर आला के मशीर अभी हमारे साथ ही थे तो वो तो ये कह रहे थे, उनको भी आपने सुना कि जनवरी के आखिर या फरवरी तक का वो वक्त तो दे रहे हैं। आप समझते सिंध में पंजाब की तर्ज की जो फूड अथॉरिटी है इसके क्याम में हर्डल्स आपको क्या नज़र आती हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, यही वजह है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बन सके हैं, उसमें इतना ज़्यादा वक्त लग रहा है, और ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं कि जो 3 साल निकल गए अभी मज़ीद और टाइम लगेगा? देखें, जब अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया जाता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकायदा बन चुके होते हैं जी। जब अथॉरिटी का बिल वो पास होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की अब कोई बात नहीं है, अब सिर्फ यह है कि स्टाफ को तानियात करना है। स्टाफ कब तानियात होगा, कब वो उसका डिपार्टमेंट बनेगा, कब जो है उनको जगह दी जाएगी कि यहाँ बैठ के जो है वो आप काम करें, तो ये सब चीज़ें हुकूमत का काम है। और ये हुकूमत का मैं समझता हूँ कि ये तमाम वी आर ऑल कंज्यूमर्स, अब चाहे वो वज़ीर आला सिंध हों, मिनिस्टर्स हों, तो वो क्यों नहीं इस तरजीहात को शामिल कर रहे हैं? तरजीहात में शामिल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ हमारे हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान में नाकिस खुराक एक बहुत बड़ा मसला है और फिर इससे भी बड़ा मसला ये है कि जो सार्फीन हैं उनके जो हुकूक हैं उनका तहफ़ करना ज़रूरी है। सिंध हुकूमत को इस मसले पर संजीदगी के साथ सोचना होगा। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।